बेटा। अरे आंटी आप आ गई। हाँ और बताइए कैसी हैं आप। मैं तो ठीक हूँ। अरे बेटा नमस्ते नहीं करोगे? उफ सॉरी आंटी। नमस्ते आंटी। ओह नो। खुश रहो बेटा खुश रहो। अरे आइए ना अंदर बैठिए आइए। हाँ और बता कैसी है तू। अरे पता है आज ना सारा नाश्ता चाय और स्पेशली पनीर के पकोड़े तेरे लिए ना सुषमा ने बनाया है। खाना बनाना आ गया मेरी बच्ची को। हाँ अरे वाह बेटा अब खाना बनाना सीख गई। अच्छी बात है मतलब पढ़ाई में भी तो अच्छी है लेकिन साथ में लड़कियों को खाना पीना बनाना सीखना ही चाहिए है ना। ससुराल में जाओगी तो यही सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ वैसे पढ़ाई में तो बहुत अच्छी हो आप। और शादी का क्या सोचा है कब करोगे शादी। हाँ शादी वैसे आंटी आपको बड़ी जल्दी है मेरी शादी की। नहीं नहीं आपकी तो बचपन से यही सपना है ना कि आप मेरी शादी करवाओ। अरे नहीं आप तो ना आंटी शायद पैदा ही इसलिए हुई हो कि आप मेरी शादी करवाओ है ना मम्मी। हाँ ये सही है। देखो ना आंटी इतनी मेरी शादी की चिंता मेरी मम्मी पापा तक को नहीं है। आप कितना सोचती हो मेरे बारे में है ना। अरे मजाक कर रही है। खाना बनाना भी सीख गई मैं। अरे ससुराल जाना है ना ससुराल में जाके खाना ही तो बनाना है और तो कुछ करना ही नहीं है लाइफ में है ना आपके जैसे। वैसे आंटी इसीलिए खाना बनाना सीखना चाहिए कि बस ससुराल में जाके खाना बनाना है ये नहीं कि अपनी शौक के लिए सीखो या मम्मी की हाथ बटाने के लिए। हाँ क्या सोच गुस्सा आ गया शायद बिल्कुल नाक पे है इसका गुस्सा। तो गुस्सा कर रही बेटा। अरे मैं तो ऐसे ही बोली थी बेटा। अब तो आंटी मैंने सोच लिया अब तो मुझे शादी करनी करनी है वो भी कल के कल करनी है। क्या आप देख लो आप कैसे करोगे आप मेरी मम्मी पापा बनने की कोशिश कर रहे हो है ना आंटी। तो ठीक है आज की आज आप लड़का ढूंढो मुझे नहीं पता आप कहाँ से लाओगे कैसे लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए हर चीज में। देखो आंटी आगे कोई प्रॉब्लम आई ना फिर आप ही जिम्मेदार रहोगे है ना मम्मी। देखो मेरी मम्मी पापा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी आपको। अरे बेटा इतनी चिंता जो है आपको तो ठीक है फाइनल कल शादी है लड़का ढूंढ लो। और आंटी मेरे लहंगा अच्छे डिजाइन से डिजाइन करके लाना मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे लेकिन कल सुबह तक मुझे मेरी लहंगा चाहिए। मैं ट्रायल भी तो करूंगी है ना। कहाँ पे शादी है चलो मेरी टेंशन थोड़ा है आप देख लो अच्छी जगह होनी चाहिए कोई भी जैसे कि सब देख के बोले वाओ। और हाँ बिल भी सब दे देना ठीक है आंटी और टेंट और कैटरिंग का सबको बोल के रखना ठीक है बोल देना सबको कल शादी है आ जाना टाइम पे सारा मतलब सारी चीजें हो जानी चाहिए अच्छे से मेरी शादी करवाओ ठीक है। आई एम सो एक्साइटेड मेरी शादी हो रही है कल। अरे बेटा मैं ऐसे बोल रही थी मैं कैसे बेटा मैं कैसे। ओके फाइनल। और आंटी हाँ वैसे एक कार तो दे ही सकते हो ना आप मुझे गिफ्ट में है क्या बोलती है। नहीं हाँ देखो बेटा बस करो बेटा देखो बहुत हो गया देखो। हाँ मैं चली जाऊंगी मैं जा रही हूँ। वो किसने रोक के रखा है आंटी जाओ निकलो जाओ ना जाओ। ओह नो। और कैसे बोलूं ऐसे ही बोल रही थी ऐसे कौन बोलता है। जिम्मेदारी आ गई तो भाग रहे हो क्या हुआ बड़े मम्मी पापा बन रहे थे आप तो मेरी। बेटा इतना गुस्सा नहीं अच्छा है शांत हो जा बेटा सुनो तो थोड़ा सा करो सारी चीजें तैयार करो। बढ़िया है बस बोलना है इनको शादी 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 जैसे कि लाइफ में तो और कुछ है ही नहीं खुद के तो सपने पूरे नहीं कर पाए और इसलिए भड़काने चले सबको बेटा शादी कर लो आपके जैसे नहीं बनना मुझे। चलो अच्छी बात है बेटा तो पढ़ाई वढ़ाई में तो अच्छी हो वैसे शादी कब कर रही हो। हाँ शादी। अरे आंटी अभी तो पढ़ाई खत्म की है कुछ जॉब मम्मी पापा के लिए भी कुछ करना है ना कुछ कर लूँ फिर कर लूँगी शादी उसमें क्या है कर लेंगे। हाँ कर लेनी चाहिए अच्छे रिश्ते आए तो है ना क्या पता बाद में आए ना आए कर लो शादी वादी। सुनो अच्छे रिश्ते आए तो फिक्स करा देना शादी वादी है ना आए तो बाद में होती रहेगी काम वाम भी तो बाद में कर लोगी शादी कर लो जरूरी है जिंदगी ऐसे थोड़े ही गुजरती है ना। अच्छा कुत्ती कमीनी मन तो करता है इसके मुंह पे ही बोल दूं क्या करूं बोल ही नहीं सकती।
रिलेटिव जो है ना, मेहमान नवाजी, क्या है? भगवान जी प्लीज बचाओ मुझे इससे, प्लीज। अभी गुस्सा बढ़ गया। जब देखो शादी शादी, सोचते क्या अपने आप को? हाँ, अपने जैसे बनाना है सबको, बस इसको अभी तो पूरा निकाल दूंगी मैं, इसको निकाल दूंगी, काश ऐसा कर सकती। बेटा, अरे बेटा कहाँ खो गई? हाल नहीं, कुछ नहीं। मैं सोच रही थी आप सही हो, कर लेनी चाहिए शादी। हेलो फ्रेंड्स, सो वीडियो पसंद आया? अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। हाँ, देख के छोड़ मत देना, बिल्कुल फ्री है यार। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया? ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में घंटी भी बजा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है? तो गाइज, आज के लिए इतना। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और सबको खुश रखिए। तो आज के लिए इतना, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।